हेलो बच्चों, कैसे हो? हो बढ़िया ही होंगे। चलिए आज हम एक वो की लास्ट है डे, आज न्यू ईयर बना रहे हैं हम। तो ये साल जा रहा है और नया साल आ रहा है, क्या करना चाहिए इस नए साल में? तो और क्या हमने किया, इसका एनालिसिस तो आप कर ही रहे होंगे। लेकिन आप बच्चों देखो, ध्यान रखना, अभी ठंड चल रही है और आप लोग क्या कर रहे हो? आप बिस्तरों पर बैठकर पढ़ रहे हो, बहुत गलत है। आपको पढ़ना है टेबल कुर्सी पर बैठकर। कहाँ पढ़ना है? टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है। कभी भी आप बेड पर बैठकर नहीं पढ़ोगे, आपकी बुक रहेगी टेबल पर और आपका जो रहेगा व्यू पॉइंट, वो मिनिमम डिस्टेंस आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर पर है, वहां रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बिल्कुल सीधे बैठकर फिर पढ़ना है। देखो बच्चों, हम हैं सीएलसी कोचिंग के अंदर, आप सब लोगों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको एडवाइस देना चाहूंगा कि देखो, जब तक आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी नहीं करेंगे तो आपका देखो सिलेबस तो होने से रहा। आप एक ही टॉपिक को बार बार पढ़े जा रहे हो, उससे आपको याद नहीं होगा। आप किसी चीज को एक बार में पढ़ो और वो लंबे टाइम तक याद रहे तो आप उस अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा कर पाओगे, वरना बहुत वाइड सिलेबस है हमारा। फिर तो आपको लास्ट में क्या होगा, 8th of May को आपका एग्जाम है, 7th या 8th को, लगभग जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने हैं। 4 महीनों में बच्चा आपका कोर्स रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो क्या करना है? बेस्ट स्टडी करनी है और बेस्ट स्टडी में भी स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे होगी? वो होगी आपकी कंटिन्यूअस सिटिंग से, वो भी चेयर पर आप बैठोगे, टेबल पर आपकी बुक रहेगी। ठंड लगती है, कपड़े पहन लो, पैरों में दिक्कत है, मोजे पहन लो, जो भी करना है कर लो। एक दूसरा, आप अपने आप को मैनेज करो। सुबह उठो, अपना प्लान बनाओ, शाम तक वो प्लान पूरा होना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी आप मान लो कि 12th में हो तो बोर्ड्स की तैयारी में लग रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इस समय, प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बट यदि आप 2 महीने बाद इस चीजों को एनालाइज करोगे आफ्टर द बोर्ड्स, तो आप खुद पर सोचोगे, यार हमने इन चीजों को इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया? आप टाइम दो, लेकिन इतना मत दो कि आपकी नीट की स्टडी पर इफेक्ट पड़े। आपको 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है नीट के रिगार्डिंग, समझ में आ गया? यदि आप ये चीज फॉलो करोगे तो मैं आपको श्योर कर सकता हूं, चैलेंज दे सकता हूं, मैं अपने आप को लिए बोल रहा हूं कि भाई मैं डैम श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। इट डजंट मैटर कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इट जस्ट मैटर आज से आप अगले 4 महीने कैसे निकालते हो, समझ में आ गया? आंखों में देख के बोल रहा हूं, ध्यान से अगले 4 महीने डिसाइड करेंगे कितना फोकस हो आप स्टडी में। आपके पेरेंट्स का फोन आ रहा है, बोलो बाद में बात करना, अभी मैं बिजी हूं। अरे जब बिजी होगे तभी तो इतना श्योरली बोल पाओगे अपने पेरेंट्स से, पापा बाद में बात करेंगे। उनको भी लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है मेरी, ठीक है? जैसा आपका इंस्टीट्यूट बोलता है वर्ड टू वर्ड वैसा ही फॉलो करना है। कोई भी माइनर, कोई भी मेजर, कोई भी टेस्ट आपको लीव नहीं करना है, यही तो प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट? इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ें, ठीक? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नंबर 3, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। कोई भी डाउट आता है, डाउट क्लास में टीचर्स होंगे, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन टीचर्स होंगे, मुझसे पूछ लो फिजिक्स के डाउट्स, पूछो। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है, सारे सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, यदि हो सके तो पीछे की एक्सरसाइज भी करनी है। नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मार्केट में सॉल्यूशंस भी आते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठगना नहीं है, लगातार लगे रहना है सुबह से लेकर शाम तक। मार्क्स मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके इंटरनल मार्क्स 300 400 500 आते थे, आराम से 650 क्रॉस कर रहे हैं।
12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 13th बैच में मैं जा रहा हूं, 13वां साल मेरा चल रहा है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि मतलब जिनको मतलब बोर्ड्स तक में पेरेंट्स को लगता था कि यार ये बोर्ड्स भी क्लियर कर पाएगा, वो आज डॉक्टर बनकर सर्विस दे रहा है, एक ने तो पीजी क्लियर कर ली है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, रिवाइज करो। नंबर वन, चेयर पर बैठोगे, टेबल पर कॉपी रखोगे और पढ़ोगे। नंबर टू, रेगुलर स्टडी करोगे, जो भी बोर्ड्स हैं उनकी तैयारी अलग चलेंगी, आपको कम से कम 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स देने ही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में। एंड नंबर थ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, हमारे कोचिंग के जो ऑनर है जिनको हम बॉस बोलते हैं वो भी ये बोलते हैं एनसीईआरटी, और सबको मालूम होना चाहिए यार एनसीईआरटी कितना, क्वेश्चन पेपर कहां से आता है, एनसीईआरटी से। तो बस आपके लिए बैठे तो है ना हम, 4 महीने में क्या हो जाएगा, यदि 4 महीने पेरेंट्स से बात कम कर लिए, फ्रेंडशिप कम कर ली, फेसबुक और ये इंस्टा और ये आपने व्हाट्सअप कम कर लिया, तो कर लेना बाद में कॉलेज में बात यार, जब कॉलेज में जाओगे तो अलग रुतबा होगा उसका यार, अलग रुतबा होगा उसका कि नहीं देखो कॉलेज में गए हम आई कार्ड लगा के जा रहे हैं एमबीबीएस और व्हाइट कोट पहन के, अलग फीलिंग आती है भाई, अलग फीलिंग आती है, उसके लिए सोचो और मेहनत करो। ठीक है, तो इस साल में जो भी कमियां करी उनको नोट डाउन कर लो, अगले साल नहीं करना है। चलिए, रेगुलर स्टडी करो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।